नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लॉकडाउन 4 के बारे में कहा कि चौथा लॉकडाउन नए रूप और रंग में आएगा। अब नए और रूप रंग में चौथा लॉकडाउन किस तरीके का होगा, इसकी घोषणा 17 तारीख के पहले कर दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश के मीडिया जगत से लेकर और अपने देशवासियों को के संबोधन में उन्होंने ये जरूर कहा कि विश्व में सबसे पहले इतना बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का, जो भारत के जीडीपी का करीब 10वां हिस्सा है, दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत, अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ये कहा और पूरे विश्व समुदाय को कहा उन्होंने कि कोरोना ने दुनिया के समक्ष अकल्पनीय और अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। थकना, टूटना, हारना और बिखरना मानव जाति का स्वभाव नहीं है। ये बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को दिया, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को दिया, और विश्व के लोगों ने इससे कुछ सीखा भी। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री ने अपने मुख्य भाषण में जो कहा कि पांच पिलर, अब भारत को पांच पिलर तैयार करने होंगे। वो पांच पिलर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं क्या क्या हैं। पांच पिलर भारत उन्होंने जो कहा है वो इकोनॉमिक, एक ऐसी इकोनॉमिक जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं बल्कि क्वांटम ग्रोथ देगी। दूसरा उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आधुनिक भारत की पहचान हो। तीसरा उन्होंने कहा कि सिस्टम, जो सिस्टम पुराना हो गया है, जिसमें बहुत सी जटिलताएं हैं, बहुत सी खामियां हैं, उसको नए सिरे से बनाया जाएगा और नए सिरे से लागू किया जाएगा। चौथा उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बहुत बड़ी चीज है जो सबके सामने लानी होगी। और पांचवा उन्होंने जो कहा कि डिमांड के बारे में उन्होंने कुछ अपने भाषण में यूं कहा कि जब पूरे विश्व में ही नहीं भारत में भी एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचना बंद हो गए और सामानों की खपत जो है वो उतनी ही थी लेकिन कम हो गए सामान पहुंचना, उस समय लोगों ने लोकल बाजार पे भरोसा किया। ये वास्तव में सच्चाई है कि जब इस लॉकडाउन के बीच में दूसरे शहरों से ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ तो लोगों ने अपने लोकल बाजार पे निर्भर रहना ज्यादा शुरू किया। इसी को प्रधानमंत्री ने मुख्य बिंदु के रूप में किया कि अब जो है लोकल को अपनाइए और लोकल से वोकल। कि लोकल से वोकल का उनका मतलब ये था कि अपने लोकल सामान को खरीदिए ही मत बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी बिना किसी शर्म के कीजिए कि नहीं, ये हमारे जिले का सामान है, हमारे जिले में बनता है, हमारे राज्य में बनता है और हम इसी को खरीदेंगे। यानी कि कुटीर उद्योग को प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है उसमें कुटीर उद्योग से लेके जो छोटे मोटे धंधे हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात आई है। उन्होंने चार जो हैं वो मुख्य बातें और बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि सबको संबल मिलेगा और लक्ष्य साधने के लिए उन्होंने 4L पे फिर भरोसा जताया। वो 4L जो हैं वो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और ला। बिना किसी जमीन के कोई उद्योग धंधा लग नहीं सकता, उसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से सहमति बनाते हुए कहा कि एक लैंड कॉरपोरेशन बैंक जैसा बनाया जाए जिससे कि उद्योगों को लगाने के लिए जमीन मिल सके। लेबर, जो समस्याएं जो हैं, जो लेबर प्रवासी बाहर चले जाते हैं उन लेबर को उद्योग धंधे लगाकर वहीं पर सेटल किया जाए। लिक्विडिटी, पैसे की अब कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपया जो है प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज जो है इस लॉकडाउन के लिए पूरे भारतवासियों को तोहफे के रूप में दिया है उद्योग धंधे को। चौथा एल जो उन्होंने कहा कि ला, हमारी पुरानी जो कानून व्यवस्था जो है वो जो उद्योग धंधों के लिए है वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है और उसमें बड़ी खामियां हैं जिसे नए तरीके से
शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले भी कहा था और शुरुआत कर भी चुके हैं, सिंगल विंडो, एक जगह आप जाइए, वहां से जमीन से लेकर कहां कैसे लोन मिलेगा, क्या होगा, इसकी बात तो बहुत पहले से चली आ रही है। तो प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन में हमने उनके भाषण को संक्षिप्त में आपको बताया, कुछ बिंदुओं पर प्रधानमंत्री के उस भाषण को हम आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कुटीर उद्योगों से लेकर जनरल जो बिजनेस व्यापारी हैं उनके लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट किया। और उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग धंधे में तो ये इन्वेस्टमेंट होगा ही, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको नकदी देकर भी मदद की जाएगी। यदि नेशन भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन 3 तो अभी चल ही रहा है, लेकिन चौथा लॉकडाउन जो है वो नए रूप रंग में आएगा, उसमें क्या छूट मिलेगी ये भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।